मुझे तीसरी बार यहां आने का सौभाग्य मिला है। और 18 महीनों में मैं तीसरी बार आया हूं। ये बहुत होता नहीं है मेरे विषय में ज्यादातर, लेकिन इस फैक्ट्री के साथ हो गया। और धीरे धीरे देश और दुनिया को इसका महत्व समझ आएगा। मैं इसके भविष्य को जान सकता हूं। इस घटना का गुजरात और हिंदुस्तान के जीवन में क्या महत्व है इसका मैं पूरी तरह अंदाज लगा सकता हूं। और तभी मैंने 3 बार यहां आना स्वीकार किया। आज 5 जून है, 5 जून एक ग्लोबली एनवायरमेंट डे के रूप में मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण के दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूरे विश्व में आज एनवायरमेंट पर सेमिनार होंगे, जन जागृति के प्रयास होंगे, आर्टिकल लिखे जाएंगे, लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जाएगा, कुछ शपथ लिए जाएंगे। पूरे विश्व में कुछ न कुछ जरूर होगा, लेकिन गुजरात अकेला ऐसा होगा शायद कि जो एक्शन के माध्यम से एनवायरमेंट फ्रेंडली डेवलपमेंट के दिशा में आज एक ऐसी ट्रेन हिंदुस्तान को और विश्व को समर्पित करने जा रहा है जो इको फ्रेंडली है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है और विश्व पर्यावरण के दिवस पर एक बहुत बड़ा तोहफा मानव जात को देने का सौभाग्य गुजरात की धरती को मिल रहा है। ऐसा कहा जाता है कि ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से जो कार्बन का उत्पादन होता है उसमें सरफेस ट्रांसपोर्ट में हम लोग जो स्कूटर, कार, बसेस उपयोग करते हैं उसके माध्यम से कार्बन में 84% कंट्रीब्यूशन इन व्हीकल्स का रहता है। हम जो हवाई जहाजों में उड़ते हैं उसके द्वारा कार्बन का कंट्रीब्यूशन 15% रहता है, लेकिन रेल के माध्यम से जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसका कार्बन में कंट्रीब्यूशन सिर्फ 1% होता है। यानी कि एनवायरमेंट सेफ्टी के लिए ये कितना सक्सेसफुल ट्रांसपोर्टेशन का मीडिया है ये हम अंदाज लगा सकते हैं। और इसलिए भविष्य में एनवायरमेंट फ्रेंडली डेवलपमेंट भी अगर करना होगा तो हमें मल्टी मोड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, मास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, इन सब आधुनिक व्यवस्थाओं को और सामूहिक जीवन को जोड़ने का प्रयास करना पड़ेगा। बॉम्बार्डियर के माध्यम से भारत में अपनी बनी हुई मेट्रो ट्रेन का उत्पादन उस कार्य को गति देगा। और श्रीधरन जी जैसे व्यक्ति जो मिशन के तरह पूरे देश में इस काम के लिए लगे हुए हैं उनको एक नई ताकत मिलेगी, एक नया विश्वास मिलेगा कि मेड इन इंडिया हम आज मेट्रो ट्रेन की दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। और वो दिन दूर नहीं होगा कि मेड इन गुजरात
डैश इंडिया इस प्रकार के शब्द से शायद विश्व परिचित हो जाएगा। और वो सपना है मेरा कि दुनिया मेड इन गुजरात डैश इंडिया के रूप में हम एक क्वालिटेटिव वर्ल्ड में कंपटीशन की दुनिया में गुजरात को और आगे ले जाना चाहते हैं। और हो सकता है कि मोविया उस दिशा में जरूर कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा। मैं स्टीवन को पूछ रहा था कि मोविया नाम कहां से लाए हो, तो बता रहे थे कि लेटिन और अंग्रेजी शब्द का मिला जुला करके बॉम्बार्डियर कंपनी की पहचान बनी है। मूवमेंट शब्द को उन्होंने थोड़ा मॉडिफाई करके मोविया शब्द लगाया है। वैसे हमारे गांव के आदमी को बहुत पसंद आने वाला शब्द है, उसको ये सारे शब्द सहज लगते हैं। मोविया तो वो उसका गुजरातीकरण कर देगा। जिस प्रकार से शहरों का विकास हो रहा है, जिस प्रकार से शहरों में आबादी बढ़ती चली जा रही है, एक तरफ बढ़ते हुए शहरों में व्यावसायिक कामों के लिए लोगों को घंटे दो घंटे तक ट्रैवलिंग टाइम जाता है, उसी प्रकार से ट्रैफिक की समस्याएं भी बढ़ती चली जा रही हैं, एनवायरमेंट की समस्याएं भी सामने खड़ी होती जा रही हैं। उन सब समस्याओं का समाधान अगर करना होगा तो मास ट्रांसपोर्टेशन के मल्टी मोड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। गुजरात भी अपने शहरों में उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। श्रीमान सिदरन जी ही हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। निकट भविष्य में एक सुनिश्चित योजना के साथ गुजरात के शहर भी इस आधुनिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के साथ जुड़ जाएंगे। कभी कभी लगता है कि जापान ने जिस प्रकार से विकास किया है और जापान ने जिस प्रकार से शहरों को फास्टेस्ट ट्रेन फैसिलिटी से जोड़ा है, यानी जापान के एक छोर से दूसरे छोर तक, यानी अहमदाबाद से गुवाहाटी तक जैसे जाना हो उस प्रकार से जापान के एक छोर से दूसरे छोर तक सुबह निकलना, नौकरी के लिए दूसरे छोर पे जाना और रात को वापस आना, और उसके लिए 500 किलोमीटर से भी ज्यादा स्पीड की ट्रेनों का नेटवर्किंग, उसने जापान के जीवन में एक बहुत बड़ी गति दी है। मैंने भारत सरकार को कई बार इस विषय में आग्रह किया है कि पश्चिमी हिंदुस्तान और विशेष करके अहमदाबाद मुंबई को अगर हम फास्टेस्ट स्पीड वाली ट्रेन का एक मॉडल खड़ा करके रखें तो ये इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के ये ग्रोथ इंजिन्स हैं, ये हब है। और उसके साथ इस प्रकार के अगर हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम देते हैं तो शायद हम विकास की गति को और अधिक तेज कर सकते हैं। और विकास के जो सामर्थ्यवान केंद्र बिंदु है उसको हम नेटवर्किंग कर सकते हैं। गुजरात अकेला विकास करे, उसके साथ साथ अगर गुजरात मुंबई जैसे शहरों के साथ जोड़ करके विकास करे तो और अधिक ताकत बनती है। मुंबई अगर पुणे के साथ जुड़ करके काम करता है तो ताकत में इजाफा होता है। पुणे अगर बेंगलोर के साथ जुड़ करके काम करता है तो और ताकत बढ़ती है। और इसलिए इस प्रकार का सैटेलाइट सिस्टम का नेटवर्किंग और वो भी मास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से अगर होता है, मैं समझता हूं कि विकास को एक नया आयाम मिल सकता है, नई ताकत मिल सकती है, नई दिशा मिल सकती है।